दोस्तों रणबीर और इधर रिया की बात की जाए तो इन दोनों की जल्दी ही शादी होने जा रही है, लेकिन दोस्तों रणबीर इस चीज़ से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो आज भी प्राची को नहीं भुला पाया है, क्योंकि 6 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन दोस्तों अभी तक वो उसके दिल और दिमाग में पूरी तरीके से प्राची है। वहीं बात की जाए तो कहानी में वाकई में एक दिलचस्प ट्विस्ट और देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए इस वक्त की, तो इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि जल्दी ही रणबीर करेगा आखिरकार घोषणा, जी हाँ, कि वो खुशी को एडप्ट कर रहा है, जी हाँ, क्योंकि खुशी को गोद ले रहा है। वहीं बात की जाए तो रिया पहले की तरह गद्दार नहीं रही, बल्कि रिया पूरी तरीके से सुधर चुकी है और वहीं आश्वासन देती हुई नजर आ रही है रणवीर को कि अगर हम खुशी को गोद लेते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी, जी हाँ, क्योंकि दोस्तों खुशी को गोद लेने में अब आखिरकार रिया भी मदद करवाती हुई नजर आने वाली है। जहाँ पर आपने देखा होगा कि पहले रिया और प्राची की बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन रिया इतनी ज़्यादा बदल चुकी है कि वो इस समय हर तरीका से पसंद करती हुई नजर आती है, वो भी प्राची को भी और पूरी फैमिली को, क्योंकि अब वो कोई भी साजिश नहीं रचती है। और रिया की बात की जाए तो रिया इस समय कहीं ना कहीं खुश भी है, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से अपने आप को बदल कर ही इस घर में वापसी आई हैं, क्योंकि उसने वादा किया था रिया ने कि अब मैं इस घर में तभी आऊँगी कि जब मैं पूरी तरीक़े से बदल लूँ, उससे पहले मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगी। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही कहानी में वाकई में नया एपिसोड देखने को मिलेगा, जिसमें बात की जाए तो प्राची को अक्षय प्रपोज करता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि अक्षय का मानना यह है कि प्राची से शादी मैं ही करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आप लोग जानते ही हैं कि अक्षय इस समय कुछ भी कर सकता है शादी करने लिए, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि अक्षय की शादी कितनी ज़्यादा मैटर करती है। साथ ही दोस्तों आप लोगों के सामने मैं रोहित नागर हाथ जोड़ के पुनः निवेदन करना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।